हमारे भाईजान सलमान खान एक बार जिस किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो उसे ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं। अब दोस्तों आजकल भाईजान जो है रेस 3 की शूटिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। रेस 3 की शूटिंग के दौरान भाईजान ने डिस्कवर किया कि यार ये जो बॉबी देओल है ये तो घना ही टैलेंटेड छोरा है, मतलब इसमें तो टैलेंट ही टैलेंट है दोस्तों, खाली ये जो सेकेंड इनिंग थी इसमें तो बेकार हो गया था। तो अब दोस्तों भाईजान ने सोचा है कि चलो बॉबी के करियर को ऊंचाइयों तक लाते हैं। दरअसल सलमान खान की ही रिकमेंडेशन थी दोस्तों, और भाईजान ने बोला रमेश तौरानी से, प्रोड्यूसर से, कि बॉबी देओल होने चाहिए फिल्म में, तो रेस 3 में बॉबी देओल हैं दोस्तों। अब दोस्तों 2019 की ईद में खबर आ रही है कि जो फिल्म आ रही है भारत, उसमें भी बॉबी देओल प्रोमिनेंट कैरेक्टर में दिखाई दे सकते हैं, और भाईजान की रिकमेंडेशन है। आगे आपको बता दूं दोस्तों, एक और फिल्म आ रही है जिसके लिए भाईजान ने बॉबी देओल का नाम रिकमेंड किया है, और वो है साजिद नाडियावाला की किक 2। हालांकि किक 2 की अभी जो स्टोरी है दोस्तों वो राइटिंग स्टेज पर है, अभी लिखी जा रही है कहानी की, आखिर कहानी क्या होगी डेविल की। तो भाई यहाँ पर भाईजान ने अपनी जो डिजायर है वो एक्सप्रेस कर दी है मिस्टर नाडियावाला के सामने, और बोला है कि एक ऐसा कैरेक्टर लिखो बॉबी देओल के लिए जो कि उनके टैलेंट को सूट करे और उन्हें सूट करे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि 2018 में हम बॉबी और सलमान को देखेंगे रेस 3 में, फिर उसके बाद 2019 की ईद में भारत में देख सकते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों 2019 के क्रिसमस में हम किक 2 में दोनों को देख सकते हैं साथ। आप बॉबी देओल और सलमान खान की इस नई जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिल्मी अपडेट्स के लिए मेरे पास आए फिल्मी आरा राहुल भोज के पास।